दादाजी। अरे बापूजी, आप ये जमीन पर क्या कर रहे हैं? ये जमीन ठीक से साफ हुई कि नहीं वो चेक कर रहा हूँ। बराबर साफ हुई कि नहीं? अरे दादी, दादाजी जमीन पे गिर गए हैं। दादाजी, अरे लेकिन बापूजी गिरे कैसे? सॉरी मम्मी, वो पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मेरा धक्का दादाजी को लग गया और दादाजी नीचे गिर गए। बेटा, मन लगा के पढ़ना ये अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई का भी कोई समय होता है। ये नहीं कि एग्जाम शुरू होने तक पढ़ाई करे, उल्टा एग्जाम की चिंता में दिमाग में जो होता है ना वो भी साफ हो जाता है। इसके लिए बेटा, जब एग्जाम देने जाते हैं ना, उसके 2 घंटे पहले दिमाग को आराम देना चाहिए। दादाजी, मैंने वो ही किया। हाँ, लेकिन फर्स्ट तो मुझे आने ना, बाल तो मेरे अम्मा, बाल तो मेरे ठीक है ना? अरे एकदम मस्त लग रहा है। कटेंगे क्या मेरे बाल? नहीं नहीं, तुम्हारे मार्क्स, क्योंकि तुम अपना पेंसिल बॉक्स तो यही भूल के जा रहे थे। कोई बात नहीं, ला रख मुझे दे, ला। हाँ। ये मैं रखता हूँ अंदर। ये रख, डाल एक। हाँ, जरा भी टेंशन मत करना और अच्छे से पेपर लिखना है ना। जा, ध्यान देना। हाँ हाँ, चलो जाओ और रेस्ट करो। वो एग्जाम देने जा रहे हैं, सोने के लिए नहीं जा रहे हैं। हाँ, बेस्ट करो बेस्ट। हाँ वही, सेम टू सेम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अच्छे से लिखना। हाँ, मेहर, आज बेस्ट ऑफ लक की तो बहुत जरूरत है, वरना मुझे गंजा होना पड़ेगा। मानव, मानव, तुझे एग्जाम में फेल होने से और गंजा होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। युद्ध में दुश्मन को कमजोर समझने वाला बुद्धिमान नहीं होता है छलपरी। एक और छलपरी, मेरा वार हो इतना असरदार कि उड़ा दे इनके होश मेरी शक्ति विस्तार। कितनी छल परियों को समाप्त करोगी विजधार परी? आज तुम हमारा खात्मा नहीं कर सकती नटखट परी। ये छलपरी की संख्या तो कम ही नहीं हो रही, इसलिए तो हमारे बार बार वार करने पर भी छल परियां खत्म ही नहीं हो रही है। मानव, तू टेंशन लेना छोड़ दे। लेकिन कैसे छोड़ूं मैं? ये लो, टेंशन तो सामने ही है। गुड मॉर्निंग मंटू जी। गुड मॉर्निंग इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। कंगी? हाँ, वो क्या है ना, गंजा होने के बाद मानव को इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो मैंने सोचा
कि इसके सारे अरमान अभी पूरे कर डालो। वाओ कितना अच्छा दिख रहा है मानव। बॉस का दिल बहुत बड़ा है और उनका पेट भी, मतलब वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखते है ना बॉस, भले ही वो बुरा हो। चुप करो तुम दोनों। सो मिस्टर मानव, आर यू रेडी गंजा होने के लिए? मंटो जी, हाँ तो मैं क्या कर रहा था, हाँ मंटो जी, क्या किसी तरह आपकी आदर्श जा नहीं सकती? मतलब हमने तो चैलेंज वैलेंज रखा है, वो हम भूल जाए तो? नहीं, बस 2 मिनट के लिए अपनी बेवकूफियां करना भूल सकते हैं, लेकिन ये चैलेंज नहीं। अच्छा तो मैं भी इस चैलेंज से पीछे नहीं हटूंगी, मतलब मैं हट सकता हूँ मंजू जी? ठीक है। हाँ तो तू ही तो पीछे हटते जब हाथी आगे बढ़ता है। मतलब बॉस आप आगे बढ़ोगे आप? तो मैं भी तैयार हूँ इस चैलेंज के लिए। लेकिन मंजू जी मैं तैयार नहीं हूँ गंजा होने के लिए। बच्चों तो सब तैयार हैं टेस्ट के लिए? यस सर। इतना ऊंचा तुमने यस बोला है, मुझे उम्मीद है नंबर भी उतने ऊंचे लाओगे। बिल्कुल लाएंगे सर, वैसे भी ये चश्मे से तो। मोंटू तुमने चश्मा अभी तक पहना है? अरे सर अब भूल गए, मैंने आपको कहा था ना मुझे फैलने वाला आई इन्फेक्शन हुआ है। हाँ अभी तक ठीक नहीं हुआ। नहीं सर आप चेक करना चाहेंगे? नहीं नहीं सर आप चेक कर लीजिए। नहीं नहीं सर आप चेक कर। नहीं मंटो सर चेक कर। नहीं नहीं अच्छा दिखा। नहीं सर। अच्छा दिखाओ। नहीं सर। अच्छा एक बार दिखाओ। नहीं सर। ला दो। अरे सर आप भूल गए, अगर मैं आपको ये दिखाऊंगा तो इन्फेक्शन आपको भी हो जाएगा सर, और फिर हमारे पेपर कौन चेक करेगा? कौन चेक करेगा सर? कौन चेक करेगा सर? पॉइंट है ना। अच्छा आप चलो अपनी अपनी सीट पर और टेस्ट लिखने की तैयारी करो, सबकी बुक अंदर जानी चाहिए। क्या हुआ बाल्दी, इतनी जल्दी थक गए? मैं इन भयंकर परियों को खत्म करते करते थक गया हूँ, लेकिन ये परियां तो वापस से उतनी ही बढ़ती जा रही है। इतनी सारी भयंकर परियां पता नहीं कहां से आ रही है। जागे की रणनीति बनाने के लिए कुछ देर तक उस ऊंची पहाड़ी की चोटी पे जाना होगा। बाली, अच्छा हुआ परियों आप आ गई, भयंकर परी की संख्या तो बढ़ती ही जा रही और मुझे उन्हें रोकने का कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है। हाँ बालवीर, लेकिन सिर्फ भयंकर परियां ही नहीं बल्कि छल परी की तादाद भी बढ़ती जा रही है। क्या वो देखो। हाँ? और जितनी तेजी से इनकी संख्या बढ़ती जाएगी हमारे लिए इन्हें नष्ट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। हाँ हमें तो समझ नहीं आ रहा कि भयंकर परी और छल परी ने अपनी जैसी दिखने वाली इतनी सारी परियां कैसे बनाई है। और इसलिए असली भयंकर परी और छल परी का पता लगाना असंभव हो गया है। हाँ?
कहीं ऐसा तो नहीं भयंकर परी हमें भटकाने के लिए ये सारे भ्रम पैदा कर रही है? और अगर ऐसा है भी तो इनमें से हम असली भयंकर परी और असली छल परी कैसे ढूंढ पाएंगे? ये जानना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं अटका जी परी। और इनमें से असली छल परी और भयंकर परी को पहचानने की एक युक्ति है मेरे पास। कैसी युक्ति बाल्वी? मैं अपने जादुई डंड से एक तेज रोशनी आसमान में भेजूंगा और हमें उस रोशनी की मदद से असली छल परी और भयंकर परी की परछाई दिखाई देगी और जो नकली है उसकी परछाई नहीं दिखाई देगी। तो जल्दी करो बालवीर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ विजदार परी। भयंकर परी के छल से हम जीत जाए इसीलिए आसमान में तेज रोशनी फैल जाए। दिखाई दे रही ऐसा कैसे हो सकता है? यानी ये कोई भ्रम नहीं बल्कि छल परी और भयंकर परी के असली अंगिनत रूप है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी ये पुरानी चालें कामयाब नहीं होने वाली बालवीर। या हम सब एक दूसरे का असली रूप हैं। और इसलिए हम में से असली भयंकर परी कौन है ये तुम कभी नहीं पहचान पाओगे। कभी नहीं। और अगर तुम ये जानना चाहते हो तो तुम्हें हम सब का अंत करना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए असंभव है। बच्चों 45 मिनट हैं तुम्हारे पास इस पेपर को खत्म करने के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। स्टार्ट राइटिंग। गलती से साइंस का पेपर मिल गया है। मुझे भी। बानो मेहर, साइलेंस, कोई बात नहीं करेगा। सॉरी सर, पर गलती से इंग्लिश के बदले हमें साइंस का पेपर मिल गया है। हाँ। इसमें कोई गलती नहीं है, आज साइंस का ही पेपर है। नहीं सर, आज साइंस का नहीं, आज तो इंग्लिश का पेपर है ना। क्या मजाक कर रहे हो, तुमने नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ा था क्या? सर
आपने क्लास में चिक चिक के कहा था ना, मतलब सर आपने क्लास में कहा था ना कि आज साइंस का पेपर ही होगा। इंग्लिश का पेपर तो अगले हफ्ते है। सर हमने नोटिस बोर्ड पढ़ा था, पर कल आपने हमारे घर पे फोन करके बोला ना कि आज साइंस का नहीं बल्कि इंग्लिश का पेपर है। हाँ, और उसी हिसाब से हम पढ़ कर आए सर। मैं क्यों फोन करूँगा? अरे सर, जब बच्चे एग्जाम में पढ़कर नहीं आते ना, तब बच्चे ऐसे ही बहाने बनाते हैं। मोंटू तू चुप कर वरना पीट दूंगी। सर हम झूठ नहीं बोल रहे। तो तुम्हारा क्या मतलब है? सर झूठ बोल रहे? मैं तो झूठ बोलूंगा? गलत बात है मानव मेहर, मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सच में सर आपका फोन आया था। अच्छा, अगर तुम्हें फोन आया था तो हमें भी नहीं आया। बोलो सर, एक तो मैं पहली बार आज अच्छे से पढ़ के आया और ये मेरा कीमती समय वेस्ट कर रहे सर। सर मुझे पेपर लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है सर, डिस्टर्ब। हाँ हाँ, सब बच्चे अपने अपने आंसर्स लिखना शुरू करो। और मानव और मेहर, तुमने नहीं पढ़ा है तो जितने भी आंसर्स आते हैं वो लिखो। लेकिन सर। मानव सिट डाउन, नहीं तो मेरे को क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा। मानव मेहर, कल साइंस का नहीं इंग्लिश का पेपर है, क्योंकि ऐसा प्रिंसिपल सर ने कहा है। मानव मेहर, बेटा तुम्हारे सर का फोन है। यानी मानव फोन पे केवल था सर नहीं। हाँ मेहर, मैंने तो साइंस के टेस्ट का कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब मैं क्या लिखूंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा मेहर। और गंजा भी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।